नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम BA द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर गद्य साहित्य पर कुछ बात करेंगे और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आज एक पुस्तक कथा भारती की चर्चा करेंगे, उसके बारे में सामान्य एक जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके पाठ्य क्रम में संकलित है। तो सबसे पहले मैं BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये पुस्तक दिखाना चाहता हूँ, कथा भारती। तो ये आप जो है पुस्तक पूरे उदयपुर में उपलब्ध है, आप कहीं भी देख सकते हैं इसको। और यह पुस्तक जो कथा भारती है, ये आपको हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा वैसा दिखे, लेकिन यह पुस्तक जो है आपके BA द्वितीय वर्ष की कहानियों का संकलन है। और यह पुस्तक जो है नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से छपी है, जो इसका प्रकाशक है वो नेशनल पब्लिशिंग हाउस है और इसके संपादक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की पुस्तक कथा भारती आपको जो है खरीदनी है और उसी से आपके जो है परीक्षा में प्रश्न जो है आएंगे। अब चूंकि जो दूसरा पेपर है द्वितीय वर्ष के लिए, वह मुख्यतः जो है वो गद्य विधाओं और जो है कहानी को मिलाकर बना है, तो कहानी के लिए जो है आपका ये पुस्तक जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और इसमें दो यूनिट, इस पुस्तक से आपके दो यूनिट के प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये जो दो 40 अंक के प्रश्न हैं वो आपको इस पुस्तक से परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको पैटर्न पता ही है, प्रथम वर्ष में इस बार तो चलिए आपका परीक्षा नहीं हुई, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, दो दो अंकों के 10 छोटे प्रश्न आते हैं। तो इस पुस्तक से 4 छोटे प्रश्न आएंगे जिनमें से 2 करने हैं, यानी कुल 4 और 4 8 नंबर के जो है अति लघु उत्तरात्मक, यानी 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर जो दिए जाते हैं वो आपके इस पुस्तक से आएंगे। और फिर टिप्पणी परक जो 10-10 नंबर का एक प्रश्न होता है, वह 10-10 नंबर का एक प्रश्न आपके जो है 2 प्रश्न इस पुस्तक में से आएंगे, यानी जो कुल टिप्पणी परक 5 प्रश्न होते हैं उनमें से 2 आपको इस पुस्तक से मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि ये लगभग आधा सिलेबस आपका कवर करेगी। और फिर आखिरी जो बड़ा सवाल आता है, वो आपने देखा होगा 5 बड़े प्रश्न आखिर में आते हैं, उनमें से कोई 2 करने पड़ते हैं 15 नंबर के, तो उसमें भी इस पुस्तक से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है मैं सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जो कहना चाह रहा हूँ वह है इस पुस्तक की भूमिका, यानी जब आप ये पुस्तक लेंगे तो आपको पुस्तक के कुछ 2-4 पेज पलटने के बाद भूमिका शीर्षक से जो है एक लगभग 40 पेज की भूमिका जो है वो मिलेगी, यानी लक्ष्मी नारायण लाल जो है उन्होंने लिखी है। यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्राय क्या करते हैं, पुस्तक खरीदते हैं और सीधा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कहानियाँ पढ़ लेंगे, लेकिन कभी भी उस भूमिका को पढ़ने के लिए हम कभी नहीं जाते। तो मैं बच्चों से ये निवेदन करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि वो सबसे पहले पुस्तक लेने के बाद इसकी भूमिका को गौर से पढ़ें और कई बार पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें। आप जब पढ़ेंगे तो आपको हिंदी कहानी का स्वरूप, हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँची और आज की कहानी क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब आप ये पुस्तक पढ़ने जाएंगे, जब कहानियाँ पढ़ने जाएंगे, तो आपका एक विज़न डेवलप होगा, आप उन कहानियों को समझने और पढ़ने की एक योग्यता अर्जित कर लेंगे कि हाँ, इस कहानी को हमको इस तरह से पढ़ना है, कौन सी कहानी किस युग से आई है, कौन सी कहानी किस तरह के विचार दृष्टि को लेकर सामने आ रही है। ये सब जो है आप इस पुस्तक की जब भूमिका पढ़ेंगे 40 प्रश्नों की, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, इस पुस्तक की भूमिका पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी आखिरी इकाई से भी एक बड़ा सवाल आता है, छोटा सवाल भी आएगा और बड़ा सवाल भी आता है, जो होता है हिंदी कहानी का विकास। तो इस कहानियों की, इस पुस्तक की भूमिका में आपको उसका भी उत्तर मिलेगा कि हिंदी कहानियों का विकास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे वो बढ़ता बढ़ता जो है पहुँचा। तो इस तरह से आपको इस पुस्तक
को लेने से और पढ़ने से दो काम बहुत बढ़िया हो जाएंगे। एक तो जो है आपके जो आगे की यूनिट है वो भी कवर हो जाएगी, और दूसरा जो है वह बड़े सवाल जो आखिरी यूनिट में जो एक सामान्य प्रश्न आता है हिंदी कहानी का विकास, वो भी इस पुस्तक की भूमिका को पढ़कर आप जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसको बहुत अच्छे से हल कर सकते हो। फिर जो है आपकी परीक्षा में जो कहानियों पे बनने वाले प्रश्न होते हैं वो जो है मोटे तौर पर भूमिका से पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षक के पास वो जो पुस्तक होती है उसकी भूमिका से ही वो प्रश्न बनाता है, तो आपको परीक्षा में आने वाले छोटे प्रश्नों में भी ये पुस्तक बहुत मदद करेगी। इस पुस्तक से हमारा जो प्रश्न पत्र की तीसरी और चौथी इकाई बनती है, यानी कुल जो है तीन छः कहानियाँ तीसरी इकाई में और छः ही कहानियाँ जो है चौथी इकाई में, यानी कुल 12 कहानियाँ इस पुस्तक में संकलित हैं। तो पहली जो 6 कहानियाँ हैं वह तीसरी यूनिट को कवर करेगी, तीसरी यूनिट उससे बनती है, और जो बाद की 6 कहानियाँ हैं उससे बाद की जो चौथी यूनिट है उससे बनेगी। यानी पहली 6 कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपका तीसरा यूनिट पूरा हो जाएगा, और बाद की 6 कहानियों को पढ़ोगे तो आपका चौथा यूनिट जो है वह कवर हो जाएगा। पहले आप उन कहानियों को, आगे और कक्षाओं में अपन चर्चा करेंगे उन कहानियों पे, कुछ मैं आज उनके नाम ही आपको बता देता हूँ कि जो है वो कहानियाँ सभी हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार हैं उनकी ही इस पुस्तक में कहानियाँ संकलित हैं, और लैंडमार्क कहानियाँ हैं। अगर हम हिंदी की कुछ श्रेष्ठ कहानियों की सूची बनाएंगे 15-20 तो निसंदेह इसमें से आधी से अधिक कहानियाँ जो है वो हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में आएगी। तो पहली आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित कहानी है वो हिंदी के सबसे बड़े कहानीकार या कहें भारत के बहुत बड़े कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अद्भुत कहानी कफन, ये आपके इस पुस्तक की पहली कहानी और पाठ्यक्रम में आपको जो है पहली कहानी पढ़नी है वो है कफन। दूसरी है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद आप सभी जानते हैं कामायनी के रचयिता, छायावाद के बहुत बड़े कवि, वो कहानीकार और नाटककार और उपन्यासकार भी उतने ही श्रेष्ठ थे जितने कि वो कवि थे। तो उनकी दूसरी कहानी है, दूसरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित कहानी है आकाशदीप। तीसरी कहानी है चतुरसेन शास्त्री, ये इतिहास और उन पर इनका काफ़ी जो है कथा साहित्य है ऐतिहासिक और थोड़ा सा पुराने उस इतिहास पर, तो ऐसे चतुरसेन शास्त्री की कहानी है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। चौथी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो पांडे बीचन शर्मा उग्र की खुदा राम। पांचवी कहानी है रेल की बात इला चंद्र जोशी, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहानीकार थे इला चंद्र जोशी प्रेमचंद के बाद के युग की, और आप देखिए कि जो कहानीकार जो आते जा रहे हैं वो क्रम से आ रहे हैं, ऐसे ही संकलन नहीं हुआ है। पहले बड़े कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं, चतुरसेन शास्त्री उनके समकालीन, फिर बीचन शर्मा उग्र, ये सब एक दौर के कहानीकार हैं जो प्रेमचंद और उसके बाद के हैं। फिर इला चंद्र जोशी रेल की बात और यशपाल की पराया सुख। अब यशपाल जो है भारत की आज़ादी के आते आते बड़े जो है एक कहानीकार जो उभर कर आते हैं, तो इस तरह से हर एक विचारधारा और हर एक थीम को लेकर इन कहानियों का संकलन किया गया है। तो इन 6 कहानियों से आपकी तीसरी इकाई बनती है, जिससे दो छोटे प्रश्न आएंगे, एक टिप्पणी परक सवाल आपको करना है और एक बड़ा प्रश्न इस इकाई से आएगा जो आखिरी सवाल होता है। तो इन 6 कहानियों को आप तैयार करेंगे तो आपका जो है तीसरी इकाई हो जाएगी। अब अपन अगली इकाई इसी पुस्तक से आएगी जो है चौथी इकाई, वो भी दो छोटे प्रश्न, टिप्पणी परक सवाल एक और एक बड़ा सवाल, यानी 15-10 और जो है आपके 4 अंक जो हैं इस चौथी इकाई से होंगे। तो वो है पाजेब जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र हिंदी के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं जो मनोविज्ञान और बच्चों के उस पर कुछ कहानियाँ लिखी है, तो उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध पाजेब है। अज्ञे जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनकी एक कहानी शरणदाता। रांगे राघव जो हमारे राजस्थान के ही सबसे बड़े कथाकार और उपन्यासकार है जिनके नाम से आज रांगे राघव पुरस्कार भी दिया जाता है, उनकी बहुत चर्चित और कहते हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी गजल, वो आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगी। फणीश्वरनाथ रेणु जो एक बहुत बड़े आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार थे, उनकी तीसरी कसम जिस पर राज कपूर की मुख्य भूमिका में एक फिल्म भी बनी है और आपने कभी देखी हो तो, अब जब हम कहानी की चर्चा करेंगे तब उस पर भी बात करेंगे। निर्मल वर्मा नई कहानीकार जो जिनको नामवर सिंह ने कहा है कि उनकी जो है
कहानी जो है अंधेरे में, ये हिंदी की पहली नई कहानी है निर्मल वर्मा, और अंतिम कहानी आपके संकलन में है मोहन राकेश की आद्रा। ये भी नई कहानी के एक बहुत बड़े त्रिकोण में शामिल थे मोहन राकेश, बड़े नाटककार, बड़े कहानीकार। तो अब आप देखिए तीसरी इकाई में आज़ादी के पूर्व के लगभग उस समय के बड़े बड़े कहानीकार हैं, और जैसे ही हम चौथी इकाई में आते हैं तो आज़ादी से थोड़ा पहले और उसके बाद के प्रमुख कहानीकार उभर कर आते हैं। ये चौथी इकाई इन कहानीकारों से मिलकर बनी है। तो ये 6 और 6 12 कहानियाँ आपको परीक्षा में 40 अंकों का निर्धारण करेगी, और कहानियाँ तो पढ़ना हमेशा जो है बहुत अच्छा लगता है, और किस जीवन अनुभव होता है उनको हम पढ़ के भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आगामी कक्षाओं में हम इन कहानियों पर चर्चा करेंगे। आज हमने इस पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है आपकी कथा भारती, इस पर चर्चा की। तो होप आप इसको खरीदें, इसको लेकर पढ़ना शुरू करें आप, और अगली कक्षाओं में हम इन पर चर्चा करेंगे। और अगर अच्छे जो है हमारा समय अच्छा बढ़िया आ जाता है तो हम कक्षा में फिर इस पर सीधा जो है बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।